नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टीच वाला यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप उसको ज्वाइन करना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। मुझे बताइए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में कौन कौन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं या कौन पढ़ना चाहते हैं प्राइवेट डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर आपको बता दें, एक तो मर्सी चांस का मैंने बताया, जो कई साल पहले बच्चे फेल हो गए थे उनको मर्सी चांस दिया गया है। ज़्यादा फीस है 25,000, 20,000, 30,000 प्लस एग्जाम फीस, वो अलग है। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट डाले हैं, एब्सेंट दिखा रखे हैं बच्चों की, एक जो कंसर्न एग्जाम का मैंने लिंक डाला था, एक वीडियो बना रखा है, अगर आपको नहीं पता है तो क्योंकि प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो या डिस्कशन में टेलीग्राम ग्रुप उसको ज्वाइन करो, कल वाली वीडियो में देख लेना टेलीग्राम में कल वाली डेट में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, मैंने डाला अपना रोल, क्लास चूज करते हो फिर आप रोल में डालते हो तो पता चल जाता है कि आपका कौन सा पेपर मिस हुआ है, अपना कौन सा पेपर नहीं दिया। तो उनका फॉर्म है जो फ्री में हो रहा है, 20 तारीख लास्ट डेट है, कोई एग्जाम फीस नहीं है, तो आप ऑफलाइन मोड में उसको दे सकते हो, ठीक है। कुछ बच्चों का रिजल्ट आ चुका है, कुछ का नहीं आया है, जैसे बीए फाइनल का आ चुका है लेकिन वहाँ पे एब्सेंट है, कुछ रिजल्ट लेट है। रिजल्ट लेट का मतलब क्या होता है, कोई डॉक्यूमेंट की कमी है, पिछली क्लास का कोई रिजल्ट आपने जमा नहीं करवाया है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो आपका रिजल्ट लेट दिखाया गया है। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी में पता कीजिए, लैंडलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, अभी तो यूनिवर्सिटी बंद है फिलहाल मेरे ख्याल से, तो आप लैंडलाइन पे कॉल कीजिए। और एक बात कहना चाहूंगा, जितने भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो हमारी वीडियो देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करो और ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करवाओ, ताकि जो सभी बच्चे हैं यहाँ पर आ जाएं, एकजुट जानकारी आपको मिले और सब कुछ आपने जो करना है एकदम से आप कर सके, जो कार्रवाई करनी हो, ठीक है। यानी कि आपको जो फॉर्म भरना है, कोई रिजल्ट देखना है, जो भी नोटिफिकेशन आपको एक साथ मिले। आप ज़्यादा बच्चे जुड़ोगे तो मुझे भी अच्छा लगा वीडियो बनाने में, क्योंकि आप ज़्यादा स्टूडेंट हो जाओगे तो मेरा भी मन करेगा अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊँ, ठीक है। तो ये टॉपिक यही था थोड़ा सा, रिजल्ट आ रहे धीरे धीरे, और एक बार वो कंसर्न एग्जाम फॉर्म जरूर चेक कर लीजिए, कहीं आपका नाम तो नया हो वहाँ पे, जिसका नहीं होगा उसका नोट फाउंड आएगा। और कुछ बच्चों के पेपर अपलोड भी हो गए हैं लेकिन कंसर्न एग्जाम में दिखा भी नहीं रहा है, वहाँ भी अपलोड नहीं हुए हैं, और आपने अपलोड तो किए थे लेकिन रिजल्ट में एब्सेंट दिखा रहा है वहाँ पे। तो इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी में संपर्क करना पड़ेगा, या आपका जो कॉलेज है आपको दिखाया गया जिस कॉलेज में पेपर जा रहे थे, जैसे भी है, तो वहाँ पर आपने संपर्क करना पड़ेगा। तो एक सॉफ्टवेयर जो बना था, इसमें बहुत सी गड़बड़ियां और खामियां रही हैं, आपको बहुत से बच्चों का यूएमसी बना है, खाम का यूएमसी बन गया भाई, गलत बात है ना यूएमसी बना, जिसका अपनी मेल आईडी चेक करते रहिए, कदे आपका भी मेल कहीं आपका नहीं यूएमसी बन जाए, ठीक है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कितने साथियों ने एग्जाम कंसर्न एग्जाम अप्लाई कर दिया है और किन किन का कितने एग्जाम में दिखाई दे रहा कि आपका मिस हुआ एग्जाम, कॉमेंट करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं कॉमेंट कीजिएगा, और क्या आपने यूनिवर्सिटी में कोई जानकारी ली है इसके रिगार्डिंग, तो वो भी मुझे बताइएगा।